रांची से तकरीबन 25 किलोमीटर पश्चिम में बसा है ब्राम्बी नामक गांव, जहां स्थित है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, जहां पर देश के कोने कोने से बच्चे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस तथा पीएचडी करने आते हैं, जिनमें से कुछ सरकारी स्कूल से पढ़े लिखे हैं जहां हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है, तो कुछ इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े लिखे हैं। यूनिवर्सिटी के सामने ही दोनों तरह के स्कूल हैं, एक कामिल स्कूल जहां इंग्लिश में पढ़ाई होती है, जहां जो हमारे टीचर वो इंग्लिश में बात करते हैं और वो हमें मतलब हमेशा अच्छे अच्छी सीख देते हैं, अच्छा सिखाते हैं। द मेन फोकस ऑफ आर्स ऑफ आर इंस्टीट्यूशन इज टू गिव क्वालिटी एजुकेशन विच इज नॉट अवेलेबल इन दिस लोकेलिटी वी कैन सी इन दिस एरिया। इट इज अ रूरल एरिया, चिल्ड्रन हैव टू गो टू द सिटी इफ दे वॉन्ट टू गेट द क्वालिटी एजुकेशन। And of course, not only quality education, but we are also orienting ourselves on giving value education. So that in later on, those value education, the life skills which are useful for their life, that also will be helping them to have that better future. कामिल स्कूल के अलावा दूसरा स्कूल राजकीयकृत मध्य विद्यालय है, जहां हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है। हम लोग का स्कूल बहुत अच्छा है, हम लोग 8 बजे आते हैं स्कूल और 11 बजे जाते हैं। हम लोग का स्कूल में साफ सफाई होता है और खाना उना मिलता है, पानी पानी सब पूरा मिलता है, किताब सब मिलता है और ड्रेस सब मिलता है, साफ सफाई अच्छा से होता है, पूरा बाथरूम वाथरूम सब कुछ है। In language skills, no, if we go to see, because they learn in their own language, in their mother tongue, so they have grasping power better than the English medium students, I feel. No, only thing they are not getting that atmosphere maybe, or maybe they are not getting that enough knowledge of English, that's why they remain back or they feel inferiority complex among themselves, that they are inferior to the English medium students. कामिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक काफी गौरवान्वित महसूस करते हैं जब उनके बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं। स्कूल में प्रोग्राम होता है तो हम लोग जाते हैं प्रोग्राम देखने, वहाँ स्टेज में बच्चे लोग खड़े रहते हैं तो वो लोग जैसे इंग्लिश में बात करते हैं तो थोड़े देर के लिए हम लोग को आँख से आंसू आ जाता है और अंदर से खुशी भी होता है कि चलो बच्चा लोग कितना आगे बढ़ रहा है, हम लोग तो आगे बढ़े नहीं है, कम से कम बच्चे लोग तो आगे बढ़ रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के बच्चे या तो कामिल स्कूल जैसे किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़कर आए हैं या राजकीयकृत मध्य विद्यालय जैसे किसी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़कर आए हैं। शिक्षा व्यवस्था में भाषा की महत्ता पर इन बच्चों की भी अलग अलग विचारधाराएं हैं। मेरे हिसाब से हमें कुछ सीखने के लिए ना तो हमारे लिए मदर टंग इम्पॉर्टेंट है, नहीं हमारे लिए इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट है तो वो लैंग्वेज जो हम लोग समझ सके या फिर जो एक छोटा बच्चा देखकर सुनकर समझ सकते। जहाँ तक एजुकेशन का बात है तो वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ही बेटर है। अगर पहले में हम लोग देख लेते हैं तो सबका अपना एक रीजनल लैंग्वेज है, इंडिया में हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज है, सबके पास अपना, कोई बंगाली में पढ़ रहा है, कोई मराठी में पढ़ रहा है, कोई भोजपुरी में पढ़ रहा है, तो सबका अपना अपना रीजनल लैंग्वेज पढ़ता है, तो फिर आपस में कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक लैंग्वेज बैरियर बन जाएगा जिससे एजुकेशन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अकॉर्डिंग टू मी द लैंग्वेज विच ए चाइल्ड नीड्स फॉर एजुकेशन दैट इज द लैंग्वेज विच हिज और हर मदर स्पीक्स। ये मैटर नहीं करता है कि एजुकेशन किस लैंग्वेज में दिया जा रहा है, मैटर ये करता है कि हम उससे कितना सीख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा मैटर करता है। State government does not promote English to be spoken or used as a language in this state. And they promote their mother tongue, and because of which they give job opportunities only to those who have learned their mother tongue. University के assistant और associate professors ने भी अलग अलग विचार दिए। शिक्षा का basically दो तरह का महत्व है, एक महत्व ये है कि किसी व्यक्ति को उसे एक समाज के लिए बेहतर नागरिक बनाना और दूसरा है बाजार में बच्चे को टिके रहना। तो जब हम देखते हैं कि अच्छे व्यक्ति बनाने की जब बात होती है तो उसमें
उसकी उसका जो मदर टंग है उसमें एजुकेशन को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। और इसका एग्जाम्पल हम लोग चाइना और जापान को देख करके कर सकते हैं कि वो डेवलप्ड कंट्रीज है जहाँ तक जापान की बात है, लेकिन उसने अपने मदर टंग को नहीं छोड़ा। और हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो अब शिक्षा का व्यवसायीकरण इस तरह से और व्यवसाय से जोड़ा जा रहा है, जिसमें अगर बच्चे को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है या नौकरी नहीं मिलने का जो मेन कारण है अगर भाषाई स्तर पर देखा जाता है तो उसमें इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाती है। अगर गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा पद्धति चाहिए, अगर बच्चे अपने रुचि के अनुसार या अपने एफिशिएंसी के अनुसार पूरा अगर 100% एफर्ट के साथ सामने आ सके तो वो जिस भाषा में कंफर्टेबल है, चाहे वो कोई भी शिक्षा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फिर अन्य क्षेत्रीय भाषा हो, तो उसे उसी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया जाए। अंग्रेजी की अनिवार्यता है क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए या वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में एस्टेब्लिश हो रही है अंग्रेजी, लेकिन उसे कंपलसरी न किया जाए। अंग्रेजी की इतनी जानकारी कि जिस प्रकार से अंग्रेजी जानने वाले जो ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं तो हिंदी जान समझ लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषा वालों को केवल इतनी ही अंग्रेजी की जानकारी चाहिए कि किसी अंग्रेजी के समाज सम्मेलन में जाए या अंग्रेजी भाषी प्रदेश में जाए तो उनकी बातों को जान समझ। वी सॉ दैट पीपल हु गेट चांस टू प्रैक्टिस देयर लैंग्वेजेस इन द हायर स्टडीज दे आर मोर क्रिएटिव इन देयर एक्सप्रेशंस। वी आर गेटिंग लेस नंबर ऑफ राइटिंग from the students who are exposed to foreign languages for their studies since childhood. Those children are less expressive in the creative writings.